पंजाब पुलिस के हाथ एक ऐसा आरोपी चढ़ा है जिसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लूट लिया और जब उसके कारनामे खुले तो हर कोई दंग रह गया। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स का नाम आनंद बिहारी यादव है, जिस पर करोड़ों की धोखाधड़ी और ठगी करने का आरोप है। आरोपी आनंद बिहारी यादव को पंजाब पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार किया, जिसे पंजाब ले आई, जहां इसने कई लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लूट लिया। डायरेक्टर लेने के बाद सबको मिलवाता गया, विश्वास इतना बन गया कि भी जो कहता था हम फिर विश्वास करते थे इसकी बात पे। तो पैसे लगाते गए, पहले शोरूम बिकवाया, फिर इसने घर गिरवी रखवाया, फिर प्राइवेट फाइनेंसर से इसने बहुत हैवी इंटरेस्ट पे पैसे उठवा दिए, तो तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब मेरा लग गया। दरअसल आनंद बिहारी यादव पर आरोप है कि ये खुद को बहुत बड़ा नेता बताता था और अपनी पहुंच का हवाला देकर लोगों से जुड़ता था, अपनी एक निजी एयरलाइंस होने का भी दावा करता था और फिर उसी रौबदार जिंदगी का सपना दिखाकर लूट लेता था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आनंद बिहारी यादव ने खुद को पीड़ित बताया। मैंने कंपनी में 1.55 करोड़ रुपया मैंने चेक से दिया है। अब कंपनी के मालिक मुक्तेश दीवान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब वो मेरा पैसा वापस ना कर रहे हैं, ना कंपनी दे रहे हैं। बताया जाता है कि आरोपी आनंद बिहारी यादव का अच्छा खासा रसूख रहा है। फिलहाल पुलिस अब ठगी और धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ कर रही है। न्यूज 18 के पास आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के विरोध में नहीं है। मतलब इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि इनका आरोप है कि TTP ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई चुनाव हो। पाकिस्तानी सेना का यह भी आरोप था कि इस आतंकी संगठन ने चुनाव में कई बड़े हमलों की साजिश रची है। लेकिन न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन TTP का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के चेहरे से झूठ का नकाब हटा दिया। उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के जरिए TTP ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में होने वाले किसी भी तरह के चुनाव के खिलाफ नहीं है और न ही उसके लड़ाके चुनावों के दौरान होने वाली रैली, जुलूस और मतदान केंद्र को निशाना बनाएंगे। मतलब TTP पाकिस्तान में चुनाव करवाने के पक्ष में है। उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसके खिलाफ अफवाह फैला रही है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। TTP का दावा है कि पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में चुनाव हो। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार चुनाव न कराने का ठीकरा TTP पर फोड़ रही है। हालांकि TTP ने यह धमकी दी कि अगर लोकतंत्र के नाम पर लोगों का गला घोटने का काम किया गया तो उसके कहर से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। यही नहीं, उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात दोहराई। उसने दलील दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से उसे शरिया कानून लागू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2